आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्रमुख गोवंश। गोवंश की कौन सी नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, यह सब इस वीडियो में देखने वाले हैं, वो भी ट्रिक के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में गोवंश से संबंधित पूछे जाते हैं। और देखिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं गोवंश के बारे में। गोवंश की दृष्टि से देश में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। पश्चिम बंगाल का गोवंश की दृष्टि से प्रथम स्थान है, और गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, छठा स्थान है राजस्थान का देश में। और देखिए दोस्तों, ये आंकड़े है ना, ये 20वीं जनगणना अनुसार है। और 20वीं जनगणना कब हुई थी, 2019 में, 2019 में हुई थी 20वीं जनगणना, उसके अनुसार ये आंकड़े। और प्रत्येक 5 वर्ष में पशुओं की जनगणना होती है। और देखिए दोस्तों आगे, राजस्थान में सर्वाधिक गायें उदयपुर जिले में पाई जाती है, वह न्यूनतम धौलपुर जिले में पाई जाती है। और देखिए, राजस्थान गो सेवा आयोग का गठन 23 मार्च 1995 में किया गया था, और इसका मुख्यालय है जयपुर में। और देखिए दोस्तों, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र ये सूरतगढ़ में है, श्री गंगानगर में। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। और देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये ट्रिक है, और ये राजस्थान में कौन कौन सी नस्ल पाई जाती है उनकी ट्रिक है, उन गायों की ट्रिक है कि राजस्थान में कौन कौन सी नस्ल की गायें पाई जाती है। तो देखिए ट्रिक देख लेते हैं। काका गाय ने हरी का सारा माल व मावा गिरा दिया। अब एक बंदा है, वो बोल रहा है अपने काका को कि काका गाय ने हरी का सारा माल व मावा गिरा दिया। अब देखिए ट्रिक से जोड़ते हैं, काका से करते हैं कांकरेज, काका से कर रहे हैं कांकरेज, और गाय से करेंगे गाय, क्योंकि हमारी गाय की ट्रिक है कि गाय की कौन कौन से नस्लें हैं। ने से कर रहे हैं नागौरी, ने से नागौरी, हरी से करेंगे हरियाणवी, हरी से कौन सी हरियाणवी, और सांस से करेंगे सांचोर। अब देखिए यहाँ पर रा है, तो यहाँ पर देखिए रा, राठी, रा से करेंगे राठी, और उपराय अब माल, माल से करेंगे मालवी, माल से मालवी, मावा, मावा था ना खाने वाला मावा, मावा से करेंगे हम मेवाती, गाय की नस्ल है। गिराया, गिराए से करेंगे गिर, ये भी गाय की एक नस्ल है, गिराए से करेंगे गिर। और देखिए आगे था, था से करेंगे थार पारकर, ये भी एक गाय की नस्ल है, था से करें हम थार पारकर। और ये राठी तो हो गया, रात से राठी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं, और ये नस्लों के नाम है कि कौन कौन सी नस्ल है। आगे देखिए, इन गायों की नस्लों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में गायें पाई जाती है। अब देखते हैं राठी गोवंश के बारे में क्या डिटेल है। राजस्थान की ये सर्वश्रेष्ठ गो नस्ल है, सबसे बढ़िया गो नस्ल है राठी गोवंश, और ये सर्वाधिक दूध देने वाली भी गाय है। राठी गोवंश की जो भी गाय होती है ना, वो सबसे ज्यादा दूध देती है राजस्थान में। और देखिए, राठी गोवंश को राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। जो राठी गोवंश की गाय होती है ना, उन्हें राजस्थान में कामधेनु कहते हैं, क्योंकि यह सबसे ज्यादा दूध देती है। और देखिए दोस्तों, ये लाल सिंधी व साहीवाल गायों की मिश्रण नस्ल है, इन दोनों गायों की मिश्रण नस्ल है राठी गोवंश। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि लाल सिंधी व साहीवाल गायों के मिश्रण नस्ल कौन सी गाय है, तो आपको करना है राठी गोवंश है, इन दोनों की मिश्रण नस्ल गाय कौन सी है, राठी गोवंश। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, आप ध्यान में रखना। और इसका प्रजनन केंद्र है नौहर हनुमानगढ़। राठी गोवंश का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो नौहर हनुमानगढ़ में राठी गोवंश का प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट है थार पारकर, अब इसी के उपनाम है मालाणी और थारी गोवंश। थार पारकर के ये उपनाम है मालाणी और थारी। अब देखिए इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। थार पारकर की मूल उत्पत्ति हुई है वह है सिंधी क्षेत्र व मल्लाणी गांव बाड़मेर। मूल उत्पत्ति हुई थी थार पारकर की सिंधी क्षेत्र व मल्लाणी गांव से, बाड़मेर से। और इसका मेन प्रजनन केंद्र है वह है चांदन गांव जैसलमेर में। प्रजनन केंद्र है चांदन गांव जैसलमेर में, और कौन सी नस्ल, थार पारकर की। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, अब है नागौरी गोवंश। ये नागौर है, यहाँ पर है नागौरी गोवंश। नागौरी गोवंश का मूल उत्पत्ति स्थल है सुहालक प्रदेश नागौर में। ये सुहालक प्रदेश गायों के लिए प्रसिद्ध है, और ये स्थान कहाँ पर है, नागौर में। और देखिए दोस्तों, नागौरी बैल विश्व प्रसिद्ध भी है।
और नागौरी गोवंश का प्रजनन केंद्र है नागौर में। और देखिए नेक्स्ट देखते हैं कांकरेज गोवंश, अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। मूल उत्पत्ति स्थल इसका गुजरात का कच्छ का रण, मूल उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? गुजरात का कच्छ का रण। कौन सी गाय का? कांकरेज गोवंश का मूल स्थान है उत्पत्ति। और देखिए यह गोवंश सबसे बड़ी नस्ल है, सबसे बड़ी सबसे भारी नस्ल है कांकरेज गोवंश की गायों की। और देखिए इसका प्रजनन केंद्र है चौराठन बाड़मेर में। कांकरेज गोवंश का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? चौराठन बाड़मेर में। और देखिए दोस्तों यह सब जानकारी आपको याद रखनी है, मैं ऊपर ऊपर से जानकारी लेकर आया हूँ, इनमें से आपको एक भी नहीं छोड़नी है, यह सब कुछ याद करना है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट है सांचौर गोवंश, अब सांचौर गोवंश है वो कांकरेज गायों से मिली जुली है। जो सांचौर की गायें हैं वो कांकरेज की गायों से मिली जुली गायें हैं। और देखिए इसका प्रजनन केंद्र है सांचौर जालौर में ही है। नेक्स्ट है गिर, रेंडा और अजमेरा, ये गोवंश है और ये गिर के उपनाम है रेंडा और अजमेरा। अब देखिए गिर गोवंश के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। गिर गोवंश का उत्पत्ति स्थल है गुजरात के सौराष्ट्र का गिरवन। कहाँ पर है? गिर गोवंश का मेन उत्पत्ति स्थल है गुजरात के सौराष्ट्र का गिरवन में। और देखिए इसका प्रजनन केंद्र है, गिर गोवंश का प्रजनन केंद्र है डग झालावाड़ में और एक और है रामसर अजमेर में। गिर गोवंश को द्विपर्जन्य नस्ल भी कहते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक जानकारी है, ये आपको जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट है मालवी गोवंश, अब इसके बारे में देखते हैं। इसका मूल उत्पत्ति क्षेत्र है मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। मालवी गोवंश का मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का मूल उत्पत्ति क्षेत्र। अब मालवी गोवंश का प्रजनन केंद्र है डग झालावाड़ में। मालवी गोवंश की गाय बाहरवान नस्ल है, यानी कि बाहर उठाने में सक्षम है। नेक्स्ट है मेवाती गोवंश, या फिर इसे कहते हैं काठी गोवंश, अब इसके बारे में देखते हैं। इसका मूल उत्पत्ति स्थल है मेवात प्रदेश। मेवात प्रदेश में अलवर और भरतपुर जिले आते हैं। और मेवाती गोवंश ये सबसे शक्तिशाली गाय की नस्ल है। सबसे शक्तिशाली गाय की नस्ल कौन सी है? मेवाती गाय की नस्ल है। और मेवाती गाय का प्रजनन केंद्र है बस्ती जयपुर में। मेवाती गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बस्ती जयपुर में। और मेवाती गोवंश को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? काठी गोवंश। और नेक्स्ट है हरियाणवी गोवंश, अब इसका मूल उत्पत्ति स्थल है रोहतक हरियाणा में। रोहतक हरियाणा से मूल उसकी उत्पत्ति हुई थी हरियाणवी गोवंश की। और इसके मस्तिष्क के मध्य एक हड्डी उठी हुई होती है। इसका प्रजनन केंद्र है कुम्हेर भरतपुर में। नेक्स्ट है, अब देखिए दोस्तों हम देखते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों इस प्रकार से एग्जाम में गोवंश से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन कौन सा है, राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकरण प्रजाति है? राठी कौन सी दो गायों की संकरण या मिश्रण प्रजाति से है? अब देखिए इसमें कौन सी है, सिंधी और साहीवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राठी इन दोनों गायों की मिश्रण या फिर संकरण प्रजाति से बनी हुई है। राठी प्रजाति कौन कौन सी है? सिंधी और साहीवाल, मैंने इस वीडियो में ये पहले ही बता दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहीवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है? अब देखिए दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कौन सी पशु की कौन सी नस्ल है। ये साहीवाल एक पशु की नस्ल है, इसका नाम दे दिया गया है, और किस पशु की नस्ल है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गाय की नस्ल है साहीवाल। नेक्स्ट है, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? तो देखिए दोस्तों मालानी क्षेत्र बाड़मेर में है, और बाड़मेर की तरफ कौन सी है? थार पारकर गोवंश पाई जाती है, और थार पारकर का मूल उत्पत्ति क्षेत्र है मालानी प्रदेश। तो दोस्तों ये सब कुछ मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता दिया है, और वो जानकारी आपको सारी डिटेल से याद रखनी है। दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर देना। अगर आपका कोई टॉपिक हो कि सर इस पर वीडियो बनाए, वो आप कमेंट में जरूर बता देना, हम पूरी ट्रिक से वो वीडियो कंप्लीट करवाएंगे आपको। और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद।